हाय गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपडेट पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल एक्वेरियम शार्क। सो गाइस, अगर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो आप एक्वेरियम में शार्क बोल के रखते हैं वो असल में शार्क नहीं है, ये बिलोंग करते हैं कैटफिश की ग्रुप से बिलोंग करते। और गाइस, ये जो फिशेस है ना, इसमें मेल एंड फीमेल डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि ये मेल एंड फीमेल सेम ही दिखता है इन फिशेस में, कलर में भी और साइज में भी। इसकी वजह से मेल एंड फीमेल फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट थोड़ा सा साइन है, इससे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका फिश मेल है या फीमेल है। ये तभी आसान होती है जब ये फिश एडल्ट हो जाती है। जब ये फिश 16 इंचेस तक हो जाती है तब ये फिश एडल्ट हो जाता है। उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या आपका फिश मेल है या फीमेल है, और कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आप उसके बाद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। उसके बाद ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका फिश मेल है या फीमेल है। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वेलकम टू एक्वा स्टेशन माई यूट्यूब चैनल। गाइस, इस चैनल पर मैं आपको फिश रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देता हूँ, आप कैसे फिश को ब्रीड कर सकते हैं, कैसे फिश को केयर कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप 5 पॉइंट को देखकर आसानी से बता सकते हैं मेल और फीमेल का डिफरेंस, वो भी एडल्ट होने के बाद आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। नंबर 1 जो है वो है क्लैस्पर्स। सो गाइस, क्लैस्पर्स मतलब एनल फिन। उसको देखकर आप 100% बता सकते हैं कि ये फिश मेल है या फीमेल है। सो गाइस, आप पिक्चर में देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है मेल, और जो राइट हैंड साइड में है वो है फीमेल। ये क्लैस्पर्स से मेल पर ही दिखाई देते हैं, ये फीमेल पर नहीं दिखाई देते। जब आपका फिश 12 to 16 इंचेस तक हो जाएगा तभी ये दिखाई देगा, उसका पहले नहीं। जब आपका फिश एडल्ट हो जाएगा तभी ये क्लैस्पर्स पैदा होगा, उससे पहले नहीं। सो गाइस, ये ओनली एडल्ट फिश पर ही दिखाई देते हैं, एडल्ट मेल पर ही ये सिर्फ दिखाई देते हैं। सो गाइस, जो नंबर 2 डिफरेंस है वो है डोर्सल फिन। डोर्सल फिन मतलब जो फिश का जो ऊपर का फिन होता है उसको डोर्सल फिन बोला जाता है। जो मेल है उसका पॉइंटेड डोर्सल फिन होता है, और जो फीमेल है उसका एक राउंडेड टाइप डोर्सल फिन होता है। यह है आज का हमारा सेकेंड डिफरेंस। सो जो नंबर 3 पॉइंट है वो है कलर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मेल जो है उसका कलर थोड़ा सा डार्क है और जो फीमेल है उसका कलर थोड़ा सा ब्राइट है। ये दूसरे फिशेस में ऑपोजिट होता है। दूसरे फिशेस में जो मेल है ना उसका कलर डार्क होता है और जो फीमेल है उसका कलर लाइट होता है, और इस फिश में ऑपोजिट है। यही एक डिफरेंस है, ये 3rd पॉइंट है डिफरेंस का। जो नंबर 4 डिफरेंस है वो है साइज। आप देख सकते हैं जो मेल है उसका साइज स्मॉलर है और जो फीमेल है उसको थोड़ा सा लार्जर साइज होता है। ये डिफरेंस हर कोई फिश में ही होता है, इसमें भी ये डिफरेंस कॉमन है। जो मेल है वो स्मॉल होता है, जो फीमेल है वो लार्जर होता है। सो गाइस, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है शेप। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो मेल है वो थोड़ा सा पतला है और स्लिमर है, और जो फीमेल है वो राउंडर है। फीमेल राउंडर क्यों होता है, क्योंकि जो फीमेल है ना उसका पेट में अंडा रहता है, इसके वजह से फीमेल राउंडर होता है और जो मेल है वो थिनर रहता है। सो गाइस, जो लास्ट डिफरेंस है वो है ब्रीडिंग बिहेवियर। जो मेल है ना वो फीमेल को चेस करेगा जब ब्रीडिंग का टाइम है, मेल फीमेल को चेस करेगा। इससे भी आप पता लगा सकते हैं क्या कौन मेल है या फीमेल है। जब ब्रीडिंग टाइम है तब मेल फीमेल को चेस करेगा, क्योंकि जो फीमेल है ना उसका पेट में अंडा रहता है, वो एक को ले करेगा तो मेल जो है फर्टिलाइज कर देगा, इसलिए मेल चेस करता है फीमेल को, वो भी एक डिफरेंस है। सो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही।
सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय।